आपको बताएं, हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जाती उम्र आमद हुई है उनकी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर हम बात करेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा। मौजूद जाती उम्र रायवंड में, जहां पर साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके छोटे भाई कायदे हिजब इख्तलाफ सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके भतीजे हमजा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली यहां पर पहुंचे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान जो है वो मुल्की सियासी सूरत हाल पर जहाँ पर मशावरत की जा रही है, वहीं पर जो नैब की जानब से गिरफ्तारी के सिलसिले में जो दो रोज़ जो नैब के ऑफिसर 96H के बाहर आते रहे, उस हवाले से भी मशावरत की जा रही है। वाकई की तफसीलात के हवाले से भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आगाह किया। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल के साथ साथ आइंदा की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए मुस्लिम लीग नून की, इस हवाले से भी तजावीज़ ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से इसी सिलसिले में ये भी बताते चले कि शरीफ फैमिली पर जो केसेस बने हुए हैं, कानूनी हिकमत अमली भी क्या अपनाई जानी चाहिए, इस पर भी मशावरत की जा रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। शुक्रिया तफसीलात से आकर। आपको बताएं, हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जाती उम्र आमद हुई उनकी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर हम बात करेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा। मौजूद जाती उम्र रायवंड में, जहां पर साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके छोटे भाई कायदे हिजब इख्तलाफ सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके भतीजे हमजा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली यहां पर पहुंचे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान जो है वो मुल्की सियासी सूरत हाल पर जहाँ पर मशावरत की जा रही है, वहीं पर जो नैब की जानब से गिरफ्तारी के सिलसिले में जो दो रोज़ जो नैब के ऑफिसर 96H के बाहर आते रहे, उस हवाले से भी मशावरत की जा रही है। वाकई की तफसीलात के हवाले से भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आगाह किया। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल के साथ साथ आइंदा की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए मुस्लिम लीग नून की, इस हवाले से भी तजावीज़ ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से इसी सिलसिले में ये भी बताते चलें कि शरीफ फैमिली पर जो केसेस बने हुए हैं, कानूनी हिकमत अमली भी क्या अपनाई जानी चाहिए, इस पर भी मशावरत की जा रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर। आपको बताएं, हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जाती उम्र आमद हुई उनकी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर हम बात करेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा। मौजूद जाती उम्र रायवंड में, जहां पर साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके छोटे भाई कायदे हिजब इख्तलाफ सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके भतीजे हमजा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली यहां पर पहुंचे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान जो है वो मुल्की सियासी सूरत हाल पर जहाँ पर मशावरत की जा रही है, वहीं पर जो नैब की जानब से गिरफ्तारी के सिलसिले में जो दो रोज़ जो नैब के ऑफिसर 96H के बाहर आते रहे, उस हवाले से भी मशावरत की जा रही है। वाकई की तफसीलात के हवाले से भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आगाह किया। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल के साथ साथ आइंदा की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए मुस्लिम लीग नून की, इस हवाले से भी तजावीज़ ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से इसी सिलसिले में ये भी बताते चलें कि शरीफ फैमिली पर जो केसेस बने हुए हैं, कानूनी हिकमत अमली भी क्या अपनाई जानी चाहिए, इस पर भी मशावरत की जा रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। शुक्रिया तफसीलात से आकर।